हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपके फेवरेट सीरियल घूमे किसी के प्यार में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर सई और सभी के घर में आधी रात को घुसेंगे गुंडे। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है कि एक तरफ यहाँ पर अश्विनी समझाते नजर आए कि विराट को कि इतने साल हो चुके हैं सही को हो गए हुए और मैं उससे नफरत करती हूँ। अब तुम्हें पत्र लिखा कि शायद तुम्हारी शादी हो गई है, लेकिन तुम्हारे दिल में उसके लिए जो जगह है ना सही की, वो अगर जब तक नहीं निकलेगी तो पत्र लिखा कि को तुम कभी भी जिंदगी में अब नहीं दे पाओगे, यानी उसे अपनी ज़िंदगी में कभी जगह नहीं दे पाओगे। और वो उसे आगे बढ़ने के लिए कहती है पत्र लिखा के साथ में। तो वहीं पर देखने को मिलता है कि विराट इसके लिए साफ इनकार करते नजर आता है कि वो सही से ही प्यार करता है। तो दूसरी तरफ सही भी उस सताई से यही साफ इनकार करते नजर आती है कि वो कभी लौट कर नहीं जाएगी और ना ही उस बच्ची को सच बताएगी। और यहाँ पर देखने को मिलता है उस सताई बार बार समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें सच बता देना चाहिए, लेकिन वो कहती है कि उस पर कोई हक नहीं है, विराट का नाम मैं कभी भी आने नहीं दूंगी उसके सामने। इसके बाद में वो बच्ची सुन लेती है और यहाँ पर सभी सुन लेती है और उसके बाद में पूछती है। तो यहाँ पर उस सताई बहाना बना लेती है कि हम तो कोई श्लोक पढ़ रहे थे वक्रतुंड का और वहाँ गणेश जी का, और उसी में उसका विराट का नाम आता है यानी कि महान। इसके बाद में उसको बहाने से उसे बना देते हैं। तो दूसरी तरफ देखने को मिलता है विराट की और अश्विनी की बातें सुन लेता है विनायक, और उसके बाद में वो भी बहाने से उसे टाल देते हैं और पत्र लिखा आती है कि तुम्हारे आने से हमारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आई हैं। निनाद इनकी पिक्चर्स क्लिक करते नजर आता है, लेकिन विराट तो पुतले का वो टच भी नहीं करता और उसके हाथ भी उससे हटा लेता है और अश्विनी को सब नजर आता है, लेकिन निनाद खुश है कि इन सब लोग काफी खुश हैं। तो वहीं देखने को मिलता है कि यहाँ पर आधी रात को दूसरी तरफ बिगड़ेगा हालत खराब हो जाएगी विनायक की। उसकी हालत खराब होने की वजह से अब यहाँ पर उसकी कोई भी मेडिसिन काम नहीं करेगी और वो कहेगा कि मेरे बैग में एक लैंप है जो कि डॉक्टर आंटी ने दिया था, आप उससे वो लेप लगा दो। और पत्र लिखा वो बैग ढूंढती है जिसमें सही और की फोटो नजर आएगी और वो उसे छुपाते नजर आने वाली है। तो दूसरी तरफ वो लेप उसके पैरों में लगाते नजर आएगी और अब पत्रिका के होश उड़ चुके हैं यानी कि सही जिंदा है। दूसरी तरफ यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर वो गुंडे एमएलए के गुंडे पहुंचेंगे सई के घर और वहां पर सई को और सभी को बहुत बुरी तरह से डराते नजर आने वाले हैं और उन्हें काफी तोड़ फोड़ और काफी तकलीफें देने की कोशिश करेंगे। जिसके बाद यहाँ पर सभी आधी रात को कॉल लगा देगी यहाँ पर विनायक को, जहाँ पर उसके हाथ पैरों में पहले से बहुत तकलीफ हो रही होती है। और देखने को मिलने वाला है कि विराट ही फोन देख लेता है कि सभी का फोन है और इसी के साथ सच्चाई सामने आएगी जब वहां पर आमना सामना होगा कॉल के जरिए विराट का और सई का, और उसी के साथ कहानी में आएगा नया मोड़।